2002 जब धीरू भाई अंबानी के रिलायंस ने एक नारा दिया था कर लो दुनिया मुट्ठी में और 600 रुपए में एक मोबाइल लॉन्च किया था जो मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बना था। उसके बाद 2003 में रतन टाटा ने एक सबसे सस्ती कार बनाने का सपना लिया और 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया जो 1 लाख रुपये डीलर प्राइस की थी। उसके बाद कुछ साल पहले मुकेश अंबानी की रिलायंस ने जियो लॉन्च किया और पूरी टेलीकॉम मार्केट को बदल कर रख दिया। और उसके बाद कुछ ही दिनों पहले रिलायंस ने अपने जियो फाइबर के प्लान्स में डेटा की कैपिंग हटाते हुए अनलिमिटेड प्लान्स ऑफर कर दिए हैं और उसके बाद एयरटेल को भी अपने प्लान्स को चेंज करने के लिए बाधित होना पड़ा है और एयरटेल ने अपने प्लान्स को भी अनलिमिटेड करते हुए 3333 यानी पर मंथ 3333 GB का एक ट्रूली अनलिमिटेड नामक प्लान्स लॉन्च किए हैं। और साथ ही में एयरटेल ने अपने मिनिमम प्लान्स को जो कि पहले 699 से शुरू होते थे वो अब सबसे उन्होंने मिनिमम प्लान 499 का लॉन्च कर दिया है। वहीं जियो ने अपना मिनिमम प्लान 399 का लॉन्च किया था। तो क्या है ये प्लान्स और क्या बदलाव किए हैं एयरटेल ने और उसके पहले क्या बदलाव किए थे जियो ने, इसको जानने के लिए आइए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले देखते हैं जियो ने क्या प्लान्स लॉन्च किए थे। तो जियो ने नए ग्राहकों के लिए फ्री 30-day ट्रायल इसमें जो इन्होंने दिया है और उसमें ये कह रहे हैं कि इनको ट्रूली अनलिमिटेड प्लान मिलेगा और इनके प्लान्स 399, 699, 999 और 499 के प्लान्स हैं। ट्रूली अनलिमिटेड प्लान्स में 150 Mbps इंटरनेट मिलेगा और 4K सेट टॉप बॉक्स मिलेगा और 10 पेड OTT ऐप्स का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और इन्होंने लिखा है इफ़ यू डोंट लाइक इट वी टेक इट बैक नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मतलब अगर आपको 30 दिन में अगर आप रिलायंस के जियो फाइबर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये आपका पैसा रिफंड कर देंगे या आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे और आपका ट्रायल ख़त्म कर देंगे। तो जियो ने अपना मिनिमम प्लान 399 का लॉन्च कर दिया है जिसमें स्पीड जो रहेगी 30 Mbps की मैक्सिमम स्पीड रहेगी और इन्होंने यहाँ पे ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट कहा है। तो आइए देखते हैं ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट का मतलब क्या होता है जो ये अपने सारे प्लान्स में कह रहे हैं। बस जैसे जैसे प्लान्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनकी स्पीड बढ़ रही है और जो इनका प्लान है 8499 का इसमें 1 Gbps की स्पीड है यानी 1 GB/s की आपको स्पीड मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि 1 month का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया 1 month का मतलब होता है 30 days अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज़। तो जनरली 1 month का मतलब 30 दिन होता है। उसके अलावा ये सब चीज़ें दी गई हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपको क्या करना है। बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने 3300 यानी 3300 GB का डेटा दिया है एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रूली अनलिमिटेड प्लान्स। मतलब आपका जो ट्रूली अनलिमिटेड है उसका मतलब ये नहीं है कि आप 5000 GB डेटा यूज़ कर लें या 10000 GB डेटा यूज़ कर लें। आपको एक्चुअली 3300 GB मैक्सिमम डेटा की आपको डेटा की लिमिट मिलती है, उसके बाद आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये मतलब होता है ट्रूली अनलिमिटेड का। हालांकि 3300 GB भी बहुत ज़्यादा डेटा होता है क्योंकि पहले हम लोग केवल 150 GB या 200 GB डेटा यूज़ करते थे और जब एयरटेल ने महंगे प्लान लॉन्च किए थे तो हम लोगों ने एयरटेल पे स्विच करने का फ़ैसला किया था क्योंकि एयरटेल के कुछ बेटर प्लान्स थे और एयरटेल लैंडलाइन कनेक्शन भी दे रहा था जो कि हमारे यहाँ पहले लगा हुआ था। तो आइए अब हम देखते हैं कि एयरटेल के क्या प्लान्स हैं जो इन्होंने आज मजबूरी में लॉन्च किए हैं रिलायंस जियो फाइबर के प्लान्स के जवाब में। तो अब हम देखेंगे एयरटेल ने क्या प्लान्स लॉन्च किए हैं। तो एयरटेल ने रिलायंस के 399 प्लान के जवाब में 499 का प्लान लॉन्च किया है जिसमें स्पीड 40 Mbps की रहेगी और बाकी ये भी अनलिमिटेड इंटरनेट कह रहे हैं। जैसे कि जो कॉलिंग थी उसमें एयरटेल ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग कहता था क्योंकि जियो जो है वो बीच में जो इंटरकनेक्ट चार्जेस थे यानी दूसरे ऑपरेटर को कॉल करने का चार्ज था वो लेने लगा था। तो जैसा कि एयरटेल ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग कहता था जियो ने इस बार ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट कह दिया है और इन्होंने अनलिमिटेड इंटरनेट कहा है। तो इनके अनलिमिटेड इंटरनेट का क्या मतलब है आइए हम देखते हैं जो हमारा प्लान ऑलरेडी चल रहा है।
तो ये प्लान आप देख सकते हैं, ये हमारा प्लान ऑलरेडी चल रहा है एयरटेल के साथ। और आप यहाँ देख सकते हैं 3328 GB बचा हुआ है, 4.3 GB यूज़ हो चुका है, यानी जो इसका इंटरनेट एयरटेल ने दिया है वो 3333, यानी कि जो रिलायंस ने 3300 इंटरनेट दिया था, इन्होंने एयरटेल ने 33 GB एक्स्ट्रा इंटरनेट पर मंथ के लिए दिया है। तो एयरटेल को ये हमने आज ही देखा, हमारे अकाउंट में आज दिखाने लगा है कि आपका जो 4.3 GB यूज़ हुआ है और आपका इतना पेंडिंग है, साइकिल एंड्स इन 16 डेज। तो ये जो है एयरटेल ने अभी आज हमारे को ये दिखाया है कि इतना पेंडिंग है, और एयरटेल ने जवाब में 3333 GB इंटरनेट जो है देना शुरू किया है रिलायंस जियो के जवाब में। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप एयरटेल का इंटरनेट लगवाएंगे या जियो का, क्या आपके पास एयरटेल या जियो दोनों में से कोई भी इंटरनेट है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक वॉक्सीटॉक्सी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, यहाँ आपको टेक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़, वीडियोज़, गैजेट रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।